एडिट भी ठीक है एडी आसवाना। और भाई काफी बड़ा चिताड़ा दिखाई दे रहा है अभी अपन को इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मैं अभी आया हूँ बेलपाड़ा। देखो यहाँ पे श्री क्षेत्र वल्डेश्वर देवस्थान ट्रस्ट बेलपाड़ा, ये हमारे आगरी कोली समाज के फेमस यूट्यूबर गणेश कोली मी बेलपाड़गर जी के गांव आया हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया था कुछ फिशिंग के बारे में शूट करने के लिए, आ जाओ। तो अभी चलो देखते हैं, यहाँ पे मच्छी पकड़ रहे हैं, कैसे पकड़ रहे, क्या धमाल मस्ती होगी, चलो देखते हैं। यहाँ पे बेलपाड़गर जी की गाड़ी खड़ी है, उन्होंने लोकेशन भेजा था मुझे, और देख सकते हो खाड़ी दिख रही है सामने। तो चलो यहाँ से आगे चलते हुए जाना है, बाइक यहाँ तक ही आ रही है, गणेश दादा की भी गाड़ी यहीं पे खड़ी है। चलो चल के जाते हैं आगे और देखते क्या है धमाल मस्ती यहाँ पे। और इनका गांव मच्छी के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक माझी बेटे है और वो खूबा निकाल रहे हैं पत्थर का भेजा। देखो किस तरीके से एक एक पत्थर का भेजा निकाल के थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं। और जो नीचे डब्बा रखा हुआ है ना उसमें निकल के रखा हुआ है। और देखो इन्होंने निकाला ये पत्थर का भेजा, बारीक है, बारीक है, छोटा छोटा है उनका कहना है। और ये जो लगा हुआ है ना इसमें उगता है पानी के, इससे पत्थर का भेजा और उसमें से निकाल के इस तरीके से निकाला जाता है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे मच्छी पकड़ रहे हैं, उनको शूट करने जाते हैं अभी। और वो दूर मंदिर दिख रहा है, गाड़ी पार्क करने के बाद कम से कम 1.5 किलोमीटर तक चल के जाना है। भाई सब आ रहे मच्छी पकड़ के, उमेश भाई सामने दिखाई दे रहे, स्माइल कर रहे, गाली गाल में हंस रहे भाई देख के। और क्या बोलते हो उमेश भाई, पैकअप? और ये भी एक फेमस यूट्यूबर थे मतलब है, मिलके गए इसलिए थे बोला। इनका नाम है उमेश तांडेल, बहुत ही खतरनाक वीडियोस होते हैं इनके फिशिंग और क्रैब हंटिंग के, आप जाके। और देखो ये भी एक वैसा ही डैम है, देखो यहाँ पे दरवाज़ा है, जाली वगैरह लगाया है यहाँ पे बोक्सी का, ये भी एक डैम का दरवाज़ा है। ऐसे ही चलते चलते आगे जा रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही कुछ बड़ा पॉन्ड रहेगा, वो खाली कर रहे हैं मच्छी का, वहीं पे जा रहे हैं हम। और भाई हम पहुँच गए, देखो एक भाई साहब यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे, फगोला लेके नीचे जा रहे हैं मच्छी पकड़ने। और देखो भाई कितना इजीली वड़ा मिल गया इनको, क्या बात है। और भी वड़ा पकड़ा इन्होंने पहले तीन तीन। और भाई बहुत सारा मच्छी पकड़ा हुआ, अभी देखो इन्होंने क्या खरीदा है, जिताड़ा है ये है। निकल भाई बड़ा वाला मच्छी ऊपर जा रहा है, किधर निकालेगा अभी, ये वड़ा है, जिताड़ा है, ये ले जिताड़ा। और देखो भाई जिताड़ा वड़ा काफी सारा मछली जमा किया इन्होंने, ये देखो ये है काटेरी मछली, भाई ने लाया वड़ा। चलो देखते हैं आगे क्या मिल रहा है अभी। भाई देखो मच्छी ऐसे ही घूमते हुए दिख रहे है। और भाई देखो क्या बेहतरीन मछली पकड़ा इन्होंने, चल भाई वंस मोर। और देखो वो जो वड़ा फिश कोने में आके खड़ा था, देखो इतना इजीली हाथ से उठा के डाल दिया भाई उन्होंने, शायद पानी कम होने के वजह से थक गया है बेचारा। और देखो वहां पे भाई बंदा पकड़ रहे, देखो इन्होंने हाथ में वड़ा लेके आया, पांच पांच वड़ा, ये देखो भाई पांच पांच वड़ा मस्त फ्रेश फ्रेश जिंदा जिंदा मच्छी। अगर आपको चाहिए तो, और कल का दिन भी है यहाँ पे, देखो पानी में मच्छी क्लियर दिखाई दे रहा है तैरते हुए, आप ही की तरफ देख रहे हैं भाई ये वड़ा। सब भाई जिंदा जिंदा मछली
ताज़ा ताज़ा पकड़ के वेट के हिसाब से, केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है यहाँ पे। और देखो इसमें भी एक वड़ा, और भाई वड़ा ही वड़ा है इसमें तो। भाई इसका कांटा लग गया ना तो पैर सूज जाएगा, इसके लिए पानी में धीरे से जिसको एक्सपीरियंस रहेगा वही उतर सकता है पानी में। देखो भाई बहुत सारे मछलियाँ, ये है एक्का काला मासा, और भाई देखो अभी आंसू गया है, ये आंसू भर के रिटर्न आएगा। यहाँ पे वेट रखा हुआ है और वेट के हिसाब से मच्छी बेचा जा रहा है। कैसा किलो है थोड़ा सा हम जान लेते, कैसा किलो है? जीताड़ा 700 रुपये, जीताड़ा 700, और वड़ा? वड़ा 600, और बोयरी? बोयरी 150 रुपये, बोयरी 150 रुपया। काला मासा? काला मासा 400, काला मासा 400, और केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है यहाँ पे। और भाई काटेरी फिश एक बड़ा वाला मिला है, देखो अभी फिर से जा रहा है आंसू मारने, देखते क्या मिल रहा है सेकंड आंसू में। एक आंसू में तो वड़ा काटेरी मासा बोयरी से भर ही चुका है, दूसरा मारने जा रहा है, देखते चलो अभी क्या मिल रहा है। और भाई उसके पैर के नीचे वड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को, अभी नहीं नहीं वो फूकने वाला मछली था। और ये मारा अभी, और इसमें अभी मछली देखो, गणेश भाई ने निकाला बाहर, देखो और भाई देखो वड़ा मछली ठीक है। और भाई गणेश कोहली जी ने आवाज दिया, वहां से हाथ में खेकड़ा लग चुका है। भाई निकाल बड़ा वाला, आजू आजू वा पिक्चर का बड़ा वाला खेकड़ा निकाल भाई। और पाग मारा था उसमें से निकला दो चार मछली नीचे, और भाई बड़ा खेकड़ा, और ये निकाला, क्या बात है भाई, खतरनाक काम। कितना बड़ा खेकड़ा पकड़ के लाया है, दिखा भाई ये वाले कैमरे में दिखा, और आराम से मेरा कान नहीं चबाना चाहिए। खतरनाक चावल कल ना तू, ये ओके नीट दम तस नको चावल क्या बात है, खतरनाक काम। और देखो इसने अभी भाई ने आंसू मारा था उसमें क्या लगा है, बड़े बड़े साइज के चिताड़े लग चुके हैं भाई, तकरीबन 1 किलो के आसपास है ये बड़े बड़े चिताड़े। और फिर वापस गया गणेश भाई खेकड़ा ढूंढने के लिए, मस्त बड़े बड़े जिताड़े लग चुके हैं भाई इसमें, नहीं ना मासे टाका मासे के। और देखो यहाँ पे वेट करके बेचा जा रहा है मछली, 1 किलो है, 1 किलो से ज्यादा है दो मछली। मासे बक मासे ना दे वो रही वो रही भाई बक ये कुछ मासे दो इधर दिखा एक मिनट। और देखो एक एक नंबर चिवनी फिश जो अपन अपने खाड़ी पे बारिश में पकड़ते हैं वो भी एक मिल गया। और मिक्स मिक्स मछली लिया तो 300 रुपीस के जी है भाई देखो, तो ये जो टाका नंतर जिताड़ा टाका एक दो कुड़े तुमका जिताड़ा कितना लगा दो दिले जन्ना दिले तुमने। चलो देखते हैं और भी यहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है, और देखो भाई थैली में कितना बड़ा जिताड़ा उल्टा गिरा हुआ है। वो मत दिखा, वो मत दिखा भाई, उनका कहना है वो मत दिखा, अगर कोई देख लेगा तो मांग लेगा, और नहीं नहीं बोल सकते कस्टमर को। और भाई ने फिर से मारा पाग,
और सब आगे दौड़ते हुए क्या लगा है पाग में देखने के लिए। दिखा ना भाई बड़ा वाला मछली पिछली निकाल के दिखा थैले में से, तो मजा आएगा हमारे व्यूवर्स को भी। 2 किलो के आसपास का जितड़ है भाई, 3 किलो का है ये, 3 किलो का जितड़ है। और ये देखो भाई, नहीं नहीं भाई है वैसे ही दिखेगा। और भाई वड़ा ही वड़ा मिल रहा है, वो दादा के हाथ में 4-4, 6-6 वड़ा। और वहाँ पे जा रहा है पाग लेके, चलो देखते क्या फंडा है आज। और भाई जिधर पाग लेके जाएगा पब्लिक उसी तरफ भाग रहा है मच्छी पकड़, मच्छी देखने के लिए। और खेल देखो भाई, ये क्या खेल चालू है आप ही देखो आपकी आंखों से। गणेश भाई बस ऐसे वड़ा मच्छी उठा रहा है जैसे कि आम उठा रहा है भाई पेड़ के नीचे से, इस तरीके से जमा करते हुए वड़ा मछली। ये देखो क्या चालू है भाई, भाई वड़ा मछली ऐसा जमा किया है गणेश भाई ने जैसे कि आम उठा लिया है, आम उठा लिया है। देखो वड़ा ही वड़ा। और भाई देखो भाई ने झोला भर के मछली लेके आया है, ये देखो भाई फुल झोला भर के मछली। और देख सकते हो जितड़ा किस तरीके से लटका हुआ है, जितड़ा ने देखो भाई जितड़ा के बाद एक रेड स्नैपर मिला है। देखो क्या बात है, क्या बात है भाई, मैं ये लेके जाऊंगा खुद। क्या बात है, मतलब नाकवा का कहना घर पे खाने के लिए लेके जाएगा और तुमने पकड़ लिया, क्या बात भाई की देन है ये। क्या बात है, क्या बात है भाई, इसका दांत देखो भाई, दांत देखो फुल एग्रेसिव मच्छी होता है ये। रेड स्नैपर कहते हैं इसको, रेड स्नैपर ताम कहते हैं इसको। और यहाँ पे जितड़ा वड़ा बहुत सारा अलग अलग मछली है और इसको अभी वेट के हिसाब से बेचा जाएगा। देखो और भाई बाहर निकल रहे थे लेकिन और गिराग आ गया, तो भाई गणेश भाई फिर से चले गया अंदर, हाथ पैर धो लिया था, फिर से जाना पड़ा। पूरा टीम वापस उतर रहा है पानी में मच्छी पकड़ने के लिए, तो देखते हैं अभी क्या क्या निकल रहे हैं और कौन सा नया मछली देखने मिल रहा है आज अपन को। और भाई पूरा आंसू भर के मछली लेके आए, देखो बाहर देख लो भाई कौन कौन सा मछली है। और भाई काफी बड़ा जितड़ा दिखाई दे रहा है अभी अपन को इसमें। भाई 1 किलो का है बरोबर। और देखो भाई गणेश भाई ने निकाला हुआ खजाना, जितड़ा ताम और भाई गणेश भाई जा रहे पाग मारने के लिए, पाग मारने काम 25 पागन। और भाई अभी दुकान लेके आएगा बाहर मछलियों का दुकान, देखते रहो बस आप। बात है, क्या बात है भाई, पूरा एक नंबर काम किया है भाई। देखो इतना बड़ा ताम लाया गणेश भाई ने, और भाई ऐसी बहुत सारे बड़े बड़े मछलियां पकड़ ली गणेश भाई का। आपने खेल देखा और गणेश भाई का वीडियोस देखो भाई, बहुत डेडलीएस्ट होता है। डेडलीएस्ट मीन्स व्हाट? डेडलीएस्ट मैं भाई जाम काम 25 नहीं 50 डायरेक्ट डेंजर वाला काम होता है भाई। तो अपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कहाँ पे मिल रहा है मछली। और आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज़ लाता रहूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।